देवी भागवत के 9वें स्कंद के 22वें अध्याय में भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में घोर युद्ध, शंकर और शंखचूड़ का युद्ध, शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं के युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उधर सेना सहित शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ और भास्कर विप्रचिति के साथ लड़ने लगे। दम्भ के साथ चंद्रमा की, कालस्व के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालके के साथ कुबेर की, मेघ के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकंग के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरन की, धृतपृष्ठ के साथ बुद्ध की, रक्ताक्ष के साथ शनिचर की, रत्नसार के साथ जयंत की, वर्चस्वी गणों के साथ वसुगणों की, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, धूम्र के साथ नलकुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उपाक्ष के साथ मंगल की, शोभाकर के साथ भानु की, पिठर के साथ मनमत की, तथा गोदामुख, चूर्ण, खड़ग, ध्वज, कांचीमुख, पिंड, धूम, नांदी, विश्व और पलाश प्रभृति दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंड आदि के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीशनों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। वे महान भयंकर युद्ध परले काल का सामना कर रहा था। भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मुने, इधर दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयानक युद्ध हो रहा था। वहीं रत्न में भूषणों से भूषित शंखचूड़ एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान था। अगणित दानव उनके साथ थे। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डर कर भाग चले। उन सब के शरीर छिद गए थे। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया। अपने तेज से गणों ने बल की वृद्धि की। तंत्र वे स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने सम्रांगण में 100 अक्षौणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भक्ति भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशाही हो गई। तंत्र युद्ध में और भी भीषणता आ गई। दानव सेना जब घबराठी तब स्वयं शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस प्रकार बाण बरसाए मानो प्रचंड मेघ जल धारा गिरा रहे हों। जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया तब उसने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई। कोई भी नहीं रुक सके। अब युद्ध के मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे रहे। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। उनकी ऐसी भयंकर वृष्टि होने लगी जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था। फिर उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्वै धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ के बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके दिव्य अस्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जरित हो गए। फिर उसने सूर्य के समान चमकने वाली प्राण घातनी शक्ति स्वामी कार्तिकेय की छाती पर चला दी। उस शक्ति के लगते ही वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष हाथ में उठा लिया। उन्हें वह धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रथ की रचना महान अमूल्य उपकरणों से हुई थी। उसी रथ पर शस्त्र और अस्त्र को लेकर वे पुनः बैठ गए और उन्हें अत्यंत उग्र युद्ध प्रारंभ कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ परंतु शंखचूड़ पराजित नहीं किया जा सका। शंखचूड़ बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। उस समय सम्रांगण में उनके बाण जाल से स्वामी कार्तिकेय ढक से गए।
दानवराज के पास कहीं ना अटकने वाली एक विभिन्न शक्ति थी। सैकड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश था, परलयकालीन अग्नि के शिखा के सदृश उसकी आकृति थी। वे ऐसी उज्जवल थी मानो प्रज्वलित अग्नि का समूह हो। विष्णु तेज से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष में भरकर उठाया और बड़े वेग से स्वामी कार्तिकेय के ऊपर चला दिया। उस शक्ति के आघात से वह मूर्छित हो गई। तब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास ले गई। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीलापूर्वक ही जीवित कर दिया, साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ के उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वह पुनः युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित होगी। नंदीश्वर प्रभृति जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया। भद्रकाली को सम्रांगण में उपस्थित देखकर शंखचूड़ भी बहुत शीघ्र वहां आ गया। दानव अत्यंत डर रहे थे, उन्हें उसने अभय प्रदान किया। तब काली ने शंखचूड़ पर परलयकालीन अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पर्जन्य अस्त्र से उसे निवारण कर दिया। इसी प्रकार काली के वारुण अस्त्र, माहेश्वर अस्त्र भी दानवराज ने क्रमशः गंधर्व अस्त्र, वैष्णव अस्त्र से निवारण कर दिया। इसके बाद काली का मंत्र पूर्वक चलाया हुआ नारायण अस्त्र पहुंचा। उसे देखते ही शंखचूड़ ने रथ से उतरकर दोनों हाथ जोड़ दिए। वह नारायण अस्त्र ऐसा प्रदीप था मानो परलयकालीन अग्नि की शिखा हो, परंतु सत्कृत होकर वह ऊपर को उठ गया और शंखचूड़ भक्तिपूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर उसे प्रणाम करने लगा। तदंतर देवी का मंत्र पूर्वक प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र चला, पर वह दानवराज के ब्रह्मास्त्र से शमित हो गया। तब देवी ने मंत्रों का उच्चारण करके एक दिव्य अस्त्र और चलाया। दानवराज ने अपने दिव्य अस्त्र के जल से उसकी विहीन शक्ति नष्ट कर दी। तब देवी ने मंत्र से पुत्र किए हुए पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि इसी बीच ये स्पष्ट आकाशवाणी हुई, ये राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं कि जो इसे मार सके। जब तक ये अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने अस्तित्व की रक्षा करती होगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। ये ब्रह्मा का वचन है। इस आकाशवाणी को सुनकर भक्ति भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे शुद्धा आतुर होकर करोड़ों दानवों को लीलापूर्वक निकलने लगी। भयंकर वेश वाली विद्देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उनकी ओर छपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्य अस्त्र से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपने सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चलेगी और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। दानों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1,00,000 प्रधान दानव बचे हुए हैं, मैं उन्हें खा रही थी। उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपत अस्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि ये राजा तुमसे अवध्य है, तब से महान ज्ञानी एम असीम बल एम प्रकर्म से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वे केवल मेरे छोड़े हुए बाणों को काट भर देता था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम परवीन हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर पाया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया।
यह भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्राह्मण, उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से ना जीतते थे और ना हारते थे। कभी समय के अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर भी आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कचूमर निकल गया। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निधि त्रिषित एम वृद्ध ब्राह्मण हूं, पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूंगा। राजेंद्र, शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ बहुत ठीक, आप जो चाहे सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूं। उसकी बात सुनकर सत्य प्रतीक के शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उनसे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उनका अस्तित्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेसी पत्नी ही थी, ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्यान्हकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निर्वार्य, दुर्धर्ष, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव, ये दो ही उठा सकते थे, अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद, अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही इसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तरंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी, वह दो दिव्य भुजाओं से शोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मनियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने, उसमें वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भक्ति श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तंत्र वे त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थ में माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं, जहां कहीं भी शंख ध्वनि होती है
वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भक्ति लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। सर्वे देव दुंदुभियाँ बज उठे और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस तरह से अध्याय 22 और 23 पूर्ण हुआ।